बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सोशल स्टडीज ऑफ क्लास 5, लेक्चर नंबर 3। यूनिट नंबर 1 है। प्रीवियस टॉपिक में हमने लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड के बारे में पढ़ा था, आज हम इसके बारे में फर्दर रीडिंग करेंगे और पढ़ेंगे। देयर आर 90 पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर। 90 पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड होते हैं हर हेमिस्फीयर में। स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, ईच हेमिस्फीयर यहाँ से इक्वेटर से हाफ यहाँ हो रहा है और हाफ इस साइड पे। ईच लाइन में 18 बॉक्सेस हैं एंड टोटल लाइंस 5 हैं। सो स्टूडेंट्स 18 फाइव्स आर 90। हर हेमिस्फीयर में कितने हैं पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड? 90। द इक्वेटर इज एट 0 degree एंड द डिग्री इंक्रीज नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स फ्रॉम द इक्वेटर। द नॉर्थ पोल इज 90 degree नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज 90 degree साउथ। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ इक्वेटर से 90 degree नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ जो है वो नॉर्थ पोल पे जा रहा है एंड 90 degrees जो है वो साउथ पोल की तरफ जा रहा है। द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर आल्सो मार्क्ड इन डिग्रीज। जो मेरिडियंस के लॉन्गिट्यूड होते हैं वो डिग्रीज में मार्क किए जाते हैं। डिग्री साइन जो छोटा सा हम ये सर्कल डालते हैं इसको कहते हैं। यू नो दैट देर आर 360 degrees इन कम्प्लीट सर्कल। स्टूडेंट्स आपने अपनी मैथ्स में पढ़ा होगा कि पूरे कम्प्लीट सर्कल में जो है वो 360 degrees होती हैं। देर आर आल्सो 360 degrees और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में भी 360 degrees होती हैं। आर द मेरिडियंस पास थ्रू द पोल्स एंड आर ऑफ इक्वल लेंथ। हर मेरिडियन जो है वो पोल्स में से गुजरता है और सबकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है। वन ऑफ दीज लाइंस हैज़ टू बी 0 degree। दिस इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन एंड इट पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। लाइंस ड्रॉन टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर मार्क विद वेस्ट W, यानी कि जो वेस्ट की प्राइम मेरिडियंस होते हैं वो W से मार्क की जाती हैं। एंड दोज टू द ईस्ट आर मार्क विद E, जो ईस्ट की तरफ होती हैं वो E के साथ मार्क की जाती हैं। द 180 मेरिडियंस इज एग्जैक्टली ओपोजिट द 0 degree मेरिडियंस ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ नाउन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको क्या कहते हैं हम? इंटरनेशनल डेट। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो 180 degree के मेरिडियंस हैं वो किसके ऑपोजिट हैं? 0 degree के ऑफ द वर्ल्ड। तो इनको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। इट इज़ नाइदर ईस्ट और वेस्ट। When we cross the ideal, यानी international date line, traveling towards the east, we gain 1 day. अगर हम ट्रैवल करते हैं ईस्ट की तरफ तो हम एक दिन हमें मिलता है। व्हेन वी क्रॉस द आइडियल ट्रैवलिंग लाइन वेस्ट वर्ल्ड, जब हम वेस्ट की तरफ क्रॉस करते हैं अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन को, तो हम एक दिन लॉस जो है वो करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम 1 day गेन करते हैं, अगर हम वेस्ट वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं तो हम 1 day लॉस करते हैं। किससे? प्राइम मेरिडियन से। ईस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 day हम गेन करेंगे, प्राइम मेरिडियन से हम वेस्ट वार्ड की तरफ जाएंगे तो 1 day लॉस करेंगे। अब नेक्स्ट हम करते हैं अपना कॉपी वर्क पे एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेसन नंबर 1 मैप्स का। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू वी शो डायरेक्शन ऑन अ मैप। हम अपने मैप पे डायरेक्शन को किस तरह से शो करेंगे? द डायरेक्शन ऑन अ मैप आर शोन बाय अ कंपास रोज ऑन एरो मार्क्ड विद एन एट द टॉप। स्टूडेंट्स आपने ये एक क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे राइट करना है एंड लर्न करना है, सेम एज इट इज़। जैसे मैंने रेडी किया है कॉपी को, सेम वैसे ही आपने भी रेडी करना है, अपनी रीडिंग करनी है, अच्छी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ये था आज का हमारा लेक्चर, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ।